see the demolition of the court order of Supreme Court. This is the demolition of the rule of law. सरकार खामोश क्यों है? घर कोई एक दिन में नहीं बनाता है. घर एक सपना होता है सबका. पूरी जिंदगी किसी का पूरा एक नस्ल पीढ़ी लग जाता है घर बनाने ने. রামনবমীর দিন দিল্লির জাহাঙ্গীরপুরে এলাকায় যে ঘটনা ঘটেছিল তারপর থেকে একের পর এক ঘটনা ঘটছে দিল্লির জাহাঙ্গীরপুরে এলাকায়. এরপর এই সম্প্রতি সেখানে অধিকাংশ সাধারণ নাগরিক এবং সংখ্যালঘু নাগরিকদের ঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছে বুলডোজার দিয়ে এমন নানান নীতির বিরোধিতায় এবার শহর কলকাতায় রাজপথে পথে নেমেছে একাধিক গণসংগঠন. দেখুন আজকে জাহাঙ্গীরপুরিতে যেভাবে মুসলিম কমিউনিটির উপরে আক্রমণ হচ্ছে তার প্রতিবাদে আজকে আমরা এরা এখানে বৌদ্ধ ধর্মগুরু আছেন, শিখ ধর্মগুরু আছেন, আমাদের হিন্দু ধর্মগুরু আছেন, মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা আছেন, প্রত্যেক ধর্মের মানুষ আজকে আমরা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে আজকে এই প্রতিবাদ করছি. সরকার খামোশ কিউ হ্যায়? কিউ কিসি কো ইতনা ইতনা রাইট মিল গিয়া কি কিসি কা ঘর ঘর কোই এক দিন মে নি বানাতা হ্যায়? ঘর ঘর এক সপনা হোতা হ্যায় সবকা. পুরি জিন্দগি কিসি কা পুরা এক নসল पीढ़ी लग जाता है घर बनाने ने और वो घर तोड़ने में किसी को वो नहीं लगा जरा सा भी. तो सरकार क्यों चुप है? अभी तक केजरीवाल क्यों खामोश है कि इंसान को इतना राइट कैसे मिल गया? या इंडिया में रहकर क्या यहाँ जंगल राज है? कोई नहीं है यहाँ, कोई कानून नहीं है यहाँ, वोटिंग नहीं होता, इलेक्शन नहीं होता है. आखिर क्यों अभी तक सब कोई खामोश है? जिस तरह से एक साजिश के तहत हम लोगों का दमन किया जा रहा है, मुसलमानों को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, जिस तरह हिटलर ने यहूदियों के साथ प्रोसिक्यूशन किया था, जिस तरह जेनोसाइड के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ आज सड़क में उतर आए हैं. हमें मालूम है कि हमारे मुल्क के इस मेजोरिटेरियन हिंदू जो हैं आज भी हमारे साथ हैं. 70% हिंदू आज भी हमारे साथ हैं. वो हम लोगों के साथ फिरका वाराना हम आहंगी के साथ मिलजुल कर जैसे हम लोग रहते आए थे वो रहने के लिए तैयार हैं. लेकिन वो 30% आरएसएस हिंदुत्व माइंडसेट के जो दंगाई हैं उन्होंने अपने हुकूमत की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए, हुकूमत बुरी तरह इकोनॉमिक और दूसरे फील्ड में नाकाम हो चुकी है उस पे पर्दा डालने के लिए उन्होंने इस तरह का ये डिवाइसिव पॉलिसी इख्तियार किया है. और ये बुलडोजर की हुकूमत इस तरह से हुकूमत ये जो तरीका अपना है ये करने के लिए कि अपने मेन प्रॉब्लम से नज़रअंदाज करे. हम लोग आज मुसलमानों का घर जिस तरह, उनकी संपत्ति जिस तरह तोड़ी जा रही है बुलडोजर के जरिए, दिस इज नॉट ओनली अ डिमोलिशन ऑफ द हाउसेज, दिस इज द डिमोलिशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट को एक ऑर्डर नहीं, दो ऑर्डर इश्यू करना पड़ा कि इसको रोका जाए. एंड दिस इज नथिंग बट अ डिमोलिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द डिमोलिशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, दिस इज द डिमोलिशन ऑफ द राइट ऑफ द डेमोक्रेटिक राइट ऑफ द पीपल, दिस इज अ डिमोलिशन ऑफ द बेसिक ह्यूमैनिटी ऑफ दिस वर्ल्ड. यहाँ पर जिस तरह से डिमोलिश किया गया है हम इसके खिलाफ आज सड़क पर उतर आए हैं. और हम ये बताना चाहते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू बो बिफोर दिस. ये जो जालिमाना हरकत है इसके हम लोग चुप नहीं बैठेंगे. हम लोग जिस तरह CANRC में सड़क पर उतर आए थे और हुकूमत को मजबूर होना पड़ा था, उसी तरह फिर एक बार हम लोग सड़क पर उतर आएंगे अगर हुकूमत अपनी इस बुलडोजर राज से गुरेज नहीं करती है, पीछे नहीं हटती है. তাদের মূলত দাবি কেন এভাবে দাঙ্গা সৃষ্টি করা হচ্ছে, কেন এভাবে নির্মমভাবে বুলডোজার দিয়ে বাড়ি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে? বহু মানুষের স্বপ্ন তার বাড়ি, কি কারণে এভাবে বাড়ি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে? মূলত এই বিষয় তাদের প্রতিবাদ মিছিল. তারা মনে করছেন মুসলিম সম্প্রদায়কে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দিনের পর দিন ধরে নানান রকমভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে এবং দিল্লির মতন রাজধানীর বুকে এমন ঘটনার তারা প্রতিবাদ করছেন. তারা লাগাতার
এখান থেকে প্রতিবাদ শুরু করেছেন শহর কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের সামনে থেকে শুরু হয়েছে তাদের এই প্রতিবাদ মিছিল গান্ধী মূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত তারা পায়ে হেঁটে মিছিল করছেন এবং এখানে শুধুমাত্র যে মুসলিম সম্প্রদায় রয়েছেন তা কিন্তু নয় মিছিলে রয়েছেন শিখ জৈন খ্রিস্টান সমস্ত ধর্মের মানুষরা রয়েছেন যারা বলছেন তারা ধর্মে বিবাদ চান না তারা চান ভারত ঐক্যর দেশ সমন্বয়ের দেশ এখানে কোনো ধর্মকে ছোট না করে কারোর ধর্মকে আঘাত না করে যেন দেশে যেন শান্তি বজায় থাকে এবং শুধু তাই নয় কেন্দ্রীয় নীতির রাষ্ট্রীয় নীতির একাধিক বিরোধিতা করছেন তারা ক্যামেরায় জয়দীপ দাসের সঙ্গে পিয়ালি দাসের রিপোর্ট সমাচার প্লাস বাংলা কলকাতা।